पाठ का जो अंश बाकी है वो हम पूरा करेंगे। हमने देखा था इस पाठ में कि कठपुतलियां किस तरह आंखें मटकाती हुई, नाचती हुई सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और उनके नृत्य के माध्यम से वह हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। वह जो समझाने की कोशिश कर रही है उसकी जो जानकारी है वह हमें सूत्रधार देता रहता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नारियल फोड़कर उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की और उनमें से फूल निकले। ये कोई चमत्कार नहीं था, तो यह एक प्रयोग था, प्रायोगिक तौर पर इसे आजमाया गया था और लोगों को फंसाने के लिए यह बताया जाता है कि जादू से या कोई मंत्र बोलकर उसमें फूल डाले गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमने देखा। अब आगे कठपुतलियां और हमें क्या समझाना चाहती हैं, ये हम देखते हैं पाठ के माध्यम से। आगे कठपुतलियां कहती हैं, देखो देखो सारे बहन भाई, शगुन अपशगुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। और तभी क्या हुआ, तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह बनाकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बट्टा धाम। और जब कठपुतलियां नृत्य कर रही थी तभी उनके सामने एक बिल्ली आ गई और बिल्ली ने रास्ता काट लिया। तब उनमें से एक कठपुतली बोली, क्या बोली, अब ये बट्टाधार हो गया, अब तो हमारा काम नहीं होगा। बंटाधार करना मतलब बट्टाधार होना, मतलब पूरी तरह से बर्बाद होना या फिर काम न होना। कई लोग इसे अपशगुन मानते हैं। बिल्ली अगर हमारे जाने वाले रास्ते से आगे से चली गई, उसने हमारा रास्ता काट लिया, तो हम अपशगुन मानते हैं। ये बहुत ही बड़ा अंधविश्वास है। वह अपने रास्ते जाती है, हम अपने रास्ते जाते हैं, फिर भी हम यह सोचते हैं कि अब हमारा काम नहीं होगा। उसी तरह कठपुतली भी यहाँ हमें बता रही है कि अब हमारा काम नहीं होगा। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों क्या हुआ बहना। पहली कठपुतली बोली, अरे देखो नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। उसने कहा कि देखो ना, इस अब काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया है तो शायद मेरा काम अब नहीं होगा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश किया और बताया, क्या बताया, देखो बिल्ली को वहां उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लग गई। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। और फिर जब कठपुतलियां एक दूसरे से बात कर रही थी, कह रही थी, क्या कह रही थी कि अरे अब बिल्ली ने रास्ता काट लिया है तो हमारा काम नहीं होगा, हमारे कार्यक्रम का पूरी तरह बट्टाधार होगा, मतलब हमारा कार्यक्रम बर्बाद हो गया। यह बात जब सूत्रधार ने सुनी तो उन्होंने समझाया कि अरे बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता नहीं काटा, ना ही वो तुम्हारा कार्यक्रम खराब करने आई है, उसे तो सामने चूहा दिखा, तो उसे चूहे को देखकर वह वहां पे लपक पड़ी। और इसमें तुम्हारा कार्यक्रम खराब होना और बिल्ली का आना, इसमें कोई भी धागा दोरा नहीं है, इसमें कोई भी होनी नहीं है, इसीलिए तुम ये सोचना छोड़ो। अगर उसे अपना खाद्य सामने दिख रहा है तो जहाँ से रास्ता उसे मिलेगा वहीं से वह जाएगी, इसलिए यह अंधविश्वास तुम छोड़ दो। फिर से कठपुतलियां गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शगुन अपशगुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। और फिर से कठपुतलियां कहने लगी कि जब बिल्ली मौसी सामने आई तो भगदड़ मच गई, मतलब लोग सोचते हैं हमेशा कि हमारे रास्ते से अगर बिल्ली चली जाए तो हमारा काम नहीं होगा, यह सोच हमें अभी बदलनी है। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे और जब कठपुतलियों ने यह बात कही तो सारे दर्शक जो उनका कार्यक्रम देख रहे थे सब लोग तालियां बजाकर उनको प्रोत्साहित करने लगे। आछी करके चीखते हुए आई एक बार नाचती हुई एक कठपुतली और डर गई। तभी दूसरी बोली, अरे फिर से अपशगुन, पहले तो बिल्ली ने रास्ता काटा वो छोड़ा, तो अब तूने आकर ची
छींक दिया। अच्छे काम के वक्त छींकना मतलब अपशगुन माना जाता है। अपशगुन माना जाता है बहुत बार कि अगर हम कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और किसी ने छींक दिया तो वो अपशगुन होगा, मतलब काम नहीं होगा। आज तो सचमुच दिन ही खराब है, आज हमारा कार्यक्रम सचमुच अच्छा ही नहीं होगा, चलो चलो। और फिर कठपुतलियां चर्चा करने लगी कि देखो बिल्ली का आना, उसका रास्ता काटना, इसका छींकना, यह सारे अपशगुन के लक्षण है, मतलब आज हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। ऐसी चर्चाएं कठपुतलियां एक दूसरे से कर ही रही थी कि तब सूत्रधार बोला, उन्हें रोकते हुए उसने कहा, दोस्तों हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर नहीं करते। हम सोचते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो काम नहीं होगा, तो हम उस काम तक पहुंचते ही नहीं है और उसकी वजह से हमें विलंब होता है। हम नाम किसका लेते हैं? बिल्ली का लेते हैं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शगुन अपशगुन का। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी, आज छींक, और सूत्रधार बिल्ली के बारे में समझा ही रहा था, शगुन अपशगुन की बातें हमें बता ही रहा था कि तभी एक कठपुतली फिर से छींकी। तब सूत्रधार क्या बोला? उसने उस कठपुतली से कहा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली जब बार बार छींक रही थी तो फिर सूत्रधार ने उससे पूछा कि बहना क्या हुआ, तुम कहाँ से आ रही हो? तब कठपुतली बोली, भैया पास वाली लंदन की चक्की की गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लंदन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जाने वाली थी, इसीलिए शायद तुम्हें बार बार छींक आ रही है, क्योंकि जहाँ मिर्ची पीसी जा रही थी वहीं से तुम गुजरी और इसीलिए तुम्हें बार बार छींकें आ रही है। तो तुम्हारा छींकना यह एक सच्चाई है मिर्ची के पीसने की, लेकिन यह लोग शगुन अपशगुन मानते हैं। जो उस तरह से जाता है आता है वह छींकता जरूर है, क्योंकि वहाँ पे मिर्ची पीसने वाली चक्की जो है। इस तरह से सूत्रधार ने समझाया कि इसका छींकना मिर्ची की वजह से हो रहा है, ना कि कोई शगुन अपशगुन की वजह से। इधर सूत्रधार बात ही कर रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई, आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींके जा रहा है। इतना सुनना ही था कि सारी कठपुतलियां नाचने लगी। एक ही कठपुतली को छींक नहीं आई, दूसरी जो उस गली से आई लल्लन की गली से, वह भी छींकने लगी और फिर कहने लगी कि पता नहीं आज लल्लन क्या कर रहा है, वह छींक पर छींक हर किसी को वहां से गुजरते हुए आ ही रही है, जो भी उस गली से गुजरता है छींकता ही जा रहा है। और तभी फिर से कठपुतलियां नाचते हुए आई और कहने लगी, देखो देखो बहन भाई, शगुन अपशगुन की है लड़ाई, छींकने जब छोड़ देखो देखो बहन भाई, शगुन अपशगुन की है लड़ाई, छींको ने जब होड़ मचाई, काम की गति को हमने रुकाई, और मिर्ची की वजह से जब हम सब छींकने लगे तो हम उसे अपशगुन और शगुन का नाम देने लगे, लेकिन यह योग्य कारण नहीं है। हम अपना काम रोक कर शगुन अपशगुन की बातें करते हैं, इसीलिए हमारा काम वक्त पर नहीं होता है, ऐसा उस कठपुतली ने कहा। और इस तरह कठपुतलियां और सूत्रधार लोगों को समझाने लगे और कहने लगे कि देखो भाइयों, शगुन अपशगुन ये सब मानी हुई बातें हैं। बिल्ली का जाना, छींकना या फिर नारियल में से फूल निकलना, ये सारी बातें एक व्यवहारिक बातें हैं जो किसी न किसी कारणवश होती है, और हमने देखा कि हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण है जिसे हमें समझना होगा। इस वैज्ञानिक कारण को अगर हम समझ लेंगे तो शगुन अपशगुन की लड़ाई से हम बाहर निकल पाएंगे, लेकिन जब हम ये नहीं सोचेंगे तो इन्हीं बातों में हम रह जाएंगे, जिससे हमें हमारे काम में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। बाधाएं लाने वाले भी हम ही होते हैं और उसे दूर करने वाले भी हम ही होते हैं, इसीलिए किसी
शगुन अपशगुन की लड़ाई में ना पड़ते हुए उसका वैज्ञानिक कारण जानकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में यश या फिर हमारी जीवन की प्रगति जरूर होगी। जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है उचित फल हमें नहीं मिलता है। अगर हम किसी को दोष देने लगते हैं तो उस दोष के कारण हमारे काम में विलंब होता है और उसी का परिणाम यह होता है कि काम की गति धीमी होती है और उसके परिणाम भी हमें बुरे मिलते हैं। अंततः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचें। कुप्रथा मतलब जो भी शगुन अपशगुन हम लोग मानते हैं उससे हम बचना है, उससे हमें बचना है, अंधश्रद्धा से हमें बचना है। हमें नई परंपरा आधुनिक विचारों के साथ अब हमें जीना है। अंततः सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर फिर से गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, करो शगुन अपशगुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन में अंधश्रद्धा भगाई। इस मजेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। अब वह घर जाकर बुआ को बोलेगी, क्या बताएगी? विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। देखो कठपुतलियां और सूत्रधार के माध्यम से हमें कितनी अच्छी सीख मिली। हमें शगुन अपशगुन की बातों को छोड़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और हर किसी बात के पीछे वैज्ञानिक कारण होता है यह समझ में भी आना चाहिए। कठपुतलियां फिर से गाकर हमें समझा रही है कि शगुन अपशगुन जैसी लड़ाइयां अब हमें खत्म करनी है और हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। सही तरीके से सही बात को लेकर हम चलेंगे तो जीवन में प्रगति होगी। और इस तरह से सूत्रधार और कठपुतली ने हर किसी को समझाया। दर्शक भी समझ गए और बहुत ही उत्साह से तालियां बजाने लगे। उनमें से प्रीति भी बहुत ही आनंदित हुई और उसने मन ही मन में कहा कि अब यही बातें वो घर जाकर अपने बुआ को भी समझाएगी और कहेगी कि शगुन अपशगुन, श्रद्धा अंधश्रद्धा ऐसी कोई बात नहीं होती। हर बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो जरूर हम जीवन में कामयाब होंगे। तो बच्चों, आपको भी ये बात समझ में आया ही होगा। आप भी हमेशा कहीं पर भी अगर देखें कहीं कुप्रथा चल रही है, श्रद्धा अंधश्रद्धा की बातें चल रही हैं, तो आपको उसे रोकना है, आपको उसके पीछे का कारण बताना है ताकि ऐसी कुप्रथाएं फैलने से हम रोक सके और आधुनिक जीवन में आधुनिक विचारों के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हम जी सके और आगे बढ़ सके।